प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जनपद मऊ के मंदिरों में स्वच्छ तीर्थ अभियान के अंतर्गत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी स्वच्छ तीर्थ अभियान के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक देश के सभी पौराणिक तीर्थ और धर्म स्थलों के आसपास के जगहों पर साफ सफाई कार्य कर सुशोभन का कार्य किया जा रहा है। मंत्री ए के शर्मा ने ठंड से बचाव के लिए मंदिर परिसर में गरीबों, बुजुर्ग और महिलाओं को कंबल भी बांटे। उन्होंने कहा गरीबों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कि वे सभी भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प में सहभागी बन सकें। वो राम मंदिर आज पूरा होने जा रहा है, उसका वो सपना उन्हीं का नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे भारत के एक एक जन जन का जो सपना था, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं, वो सपना भी अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन दूसरा भी एक साथ में था कि भाई राम मंदिर तो बन गया लेकिन राम राज्य का क्या, सबका विकास कैसे होगा? ये जो शमशान नहीं बना था, रोड नहीं बना था, नाले का पानी सही जगह नहीं गिरता था, घाट की व्यवस्था नहीं थी, मंदिर की जो व्यवस्था हो गई थी, इतना बढ़िया मंदिर लेकिन अगल बगल कुछ नहीं था। तो ये सब बातें जो है विकसित भारत के संकल्प में आती है।